राधे हरे कृष्णा, मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं वट सावित्री व्रत के बारे में, कैसे इस व्रत को करते हैं, कैसे पूजा विधि करनी है, क्या कुछ खास सामग्री इस व्रत में लगनी होती है और प्रसाद क्या बनाना है। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो क्या कुछ अलग करना होता है पहली बार में, और अगर महिलाएं मासिक धर्म में यानी पीरियड में हैं तो कैसे फिर इस व्रत को करेंगी, संपूर्ण जानकारी वट सावित्री व्रत के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर व्रत कर रहे हैं तपस्या भूखे रहना पड़ता है तो कोई जानकारी अधूरी ना रहे, ठीक है, व्रत आपका सफल हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वट सावित्री व्रत में जो है वो वट वृक्ष के पास जाकर के पूजा विधि करनी होती है। जैसे आजकल की महिलाएं जो है गमले में घर में ला करके जो है पूजा करती हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग पहली बार शुरू कर रही हैं, कम से कम पहली बार तो वृक्ष के पास जाकर के ही जो है आपको पूजा करनी है, ठीक है। बाद में भले ही चाहे आप गमले में ला करके पौधा लगा ले, लेकिन पहली बार जो है वृक्ष के पास ही जाकर के जो है पूजा करनी चाहिए। देखिए, वृक्ष में बच्चों में बड़ों में अंतर होता है, कई वर्ष से जो वृक्ष है वो पूजित है तो उसका अलग प्रभाव होता है, और घर में आप एक डाल ला करके पूजा करते हैं तो वो जैसे कि कोरोना के टाइम में मतलब बाहर नहीं निकलना था तब के लिए ठीक था, लेकिन वृक्ष की ही महत्ता होती है ग्रंथों में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वृक्ष के पास जाकर पूजा करनी है। दूसरा चीज़ है कि इस व्रत में क्या सामग्री खास लगनी होती है, तो बांस का एक पंखा जो है लाना चाहिए बाजार से विशेष रूप से, ठीक है। बांस का पंखा जो है पूजा की जाती है वृक्ष की भी, और फिर आकर घर में पति को भी जो है झला जाता है, और कई क्षेत्रों में तो दान किया जाता है। हमारे क्षेत्र में जो है वो दान करने का ही महत्व है, बांस के पंखे के ऊपर जो है फल फूल रख के पूरा प्रसाद रख के, और फिर ब्राह्मणी को या फिर ब्राह्मण को उसी में जो है श्रृंगार की सामग्री चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता जो भी सामर्थ्य हो रख करके ब्राह्मणी को दान करते हैं, ठीक है। तो जैसा जिसके क्षेत्र में होता हो उचित यही है कि बांस का पंखा दान किया जाए, और नहीं संभव है क्योंकि ब्राह्मण भी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, आसपास, तो फिर जो है उसी पंखे से पति की सेवा करनी है। और चलिए, प्रसाद में क्या कुछ खास होता है, तो देखिए आटे और गुड़ को मिला करके गुलगुले बना लीजिएगा। ऐसे गोल गोल बनाए जाते हैं, लेकिन गोल गोल क्या है उसमें फटने की भी संभावना रहती है, तो फिर तेल के छींटे पड़ जाते हैं शरीर में, तो आप सीधे गुलगुले ही बना लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 12 बनाने हैं गुलगुले, ठीक है, 12 पूड़ियाँ भी बनानी है। चने की दाल हमारे यहाँ भिगो करके रखी जाती, विशेष रूप से प्रसाद चने की दाल का चढ़ाया जाता है, तो पहले से नहाने के बाद सबसे पहले चने की दाल भिगो के रख दे है, ठीक है। तो ये प्रसाद हो गया, मौसमी फल जो भी रसीले फल होते हैं वो आपको मंगा लेने हैं, साथ ही साथ सामग्री में आप जो है श्रृंगार का सामान जरूर मंगा लीजिएगा, चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता जो भी है, यही सभी चीज़ें, और पूजा सामग्री में सभी चीज़ें वही लगनी है जो सब में लगती हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है इस व्रत की। तो देखिए, व्रत के एक दिन पहले ही जो है आप शैम्पू का उपयोग करके बाल धो लेंगी। जब व्रत के दिन सुबह उठेंगी तो आप केवल बालों को गीला करके स्नान करेंगे, ठीक है। स्नान करने के बाद जो है आप भगवान की सामान्य पूजा करेंगी, व्रत का संकल्प लेंगी, जो भी भगवान मतलब घर के मंदिर में है उनकी पूजा कर लेंगी, क्योंकि व्रत की मुख्य पूजा तो मतलब थोड़ा सा बाद में दोपहर के समय 11 से 12 के बीच होती है, मुहूर्त भी होता है 11 से 12 के बीच में ज़्यादातर की जाती है, तो वो वट वृक्ष के पास होगी। लेकिन घर की सामान्य पूजा के साथ हमको क्या करना है, संकल्प ले लेना है, हाथ में जल डाल करके थोड़ा सा और चावल फूल रख लीजिएगा, बोल दीजिएगा संकल्प कि आज मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है ये व्रत कर रही हूँ, ठीक है, वट सावित्री का व्रत, ऐसा बोल करके भगवान के पास यूँ रख दिया जाता है। बाद में वो चावल जो है आप चिड़ियों वगैरह को डाल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर केवल जल से ही संकल्प लिया जा सकता है। फिर जो है श्री गणेश से प्रार्थना कीजिएगा कि वो निर्विघ्न जो है व्रत संपन्न कराएं, क्योंकि फिर बाधाएं भी बहुत आती हैं व्रत में, इस तरह से फिर पूरी भगवान की पूजा कर लेनी जैसे आप रोज करते हैं, ठीक है। और फिर सामग्री आप इकट्ठा कीजिए, वट वृक्ष के पास जाइए, पूजा विधि मैंने वैसे पूरी करके दिखाई हुई है। इस व्रत में जो है 16 श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए, तो मतलब हर एक चीज़ जो है पहने, आप मेहंदी एक दिन पहले लगा लें, महावर लगा करके जाएं पूजा करने, ठीक है। और एक विशेष चीज़ है कि जैसे जब नई नई शादी हुई रहती है तो कम से कम कुछ वर्षों तक आपको जो है विवाह का कुछ भी चीज़ जरूर विवाह के वस्त्र पहन करके जो है आपको पूजा करनी चाहिए, या फिर कुछ और वर्षों तक, जैसे कि हर वर्ष नहीं पहने जा सकते विवाह के वस्त्र, तो आप जो है केवल चुनरी ही ओढ़ लें,
तो जिस वस्त्रों में या फिर कोई आभूषण है जिनमें विवाह हुआ है उन्हीं को पहनकर, तो फिर उसको जरूर आप जो है इस व्रत की पूजा में पहने, ठीक है। सभी कुछ श्रृंगार कर लें, बढ़िया चुनरी वगैरह ओढ़ करके जो है आप पूजा करने जाएं। पूजा जब आप करने जाते हैं एक आसन भी ले जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पे सबसे पहले जा करके क्या करना है, आचमन इत्यादि कर लीजिएगा, अपने आप को शुद्ध किया जाता है। देखिए जो हम विवाह के कपड़े पहने होते हैं उसमें हमने खाना भी खाया है, बहुत सारी चीज़ें, कई बार जो है टॉयलेट वगैरह भी जाना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप को पवित्र कर लेना है 3 बार जल डालकर। इससे क्या है कि बाहरी रूप से भी हम भगवान का नाम लेकर के जो है शुद्ध हो जाते हैं, और अंदर से भी थोड़ा सा जल पी करके आचमन कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है संकल्प आपने व्रत का पहले ले लिया, यहाँ पे पूजा का ले लीजिए कि मैं जो व्रत कर रही थी इसकी संपूर्णता के लिए पूजा करने जा रही हूँ, ऐसा थोड़ा सा जल डाल करके, क्योंकि हम वट वृक्ष के नीचे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे भी बोल दिया, और फिर जो है पूजा शुरू कीजिए। थोड़ा सा जल छींट करके जो है वहाँ पर स्वच्छ कर लिया, चौंक पूर लिया, कलश बना लिया, गौरी गणेश जरूर रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पूजा में क्या खास होता है कि पत्ते चाहिए होते हैं 12। अगर आप घर पे भी जो है गमला ला करके, गमले में लगा करके पूजा करें तो ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा पत्ते होने चाहिए उसमें, ठीक है। क्योंकि 12 पत्ते तो नीचे रख लिए जाते हैं, उसी में जो है थोड़ा पूजा की जाती है, वट वृक्ष की अलग और 12 पत्तों में अलग। तो जैसे ही आप जाते हैं सबसे पहले जो है आप पत्ते तोड़वा लीजिएगा, 12 लगेंगे, ठीक है। हमारे क्षेत्र में 12 ही लगते हैं, उनको ऐसे बिछा लेना है, और पूरी पूजा पहले गौरी गणेश कलश की और वट वृक्ष की हो जाएगी। पूजा में क्या है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती जो कि अक्सर ही महिलाएं भूल जाती हैं, तो इस तरह में फिर व्रत का आधा ही फल मिलता है, ठीक है। क्या करना है कि पहले भगवान को बुला लेना है। हमने जो सुपारी हल्दी रखी है उसमें हमने भगवान को भी बुलाया तो है नहीं, तो सबसे पहले आप उनका आवाहन करेंगे हाथ में चावल फूल लेकर के, हे गौरी गणेश मैं ये वट सावित्री की पूजा हेतु आपका आवाहन करती हूँ। वहाँ पे चावल फूल रख दीजिएगा, मतलब गौरी गणेश के पास, गोबर से गौरी जी बना लीजिएगा, फिर हल्दी के गांठ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर पहले बुला लिया, फिर पूजा शुरू करनी है, कलश वगैरह प्रज्वलित करके और गौरी गणेश की कलश की पूजा कीजिए, फिर वट वृक्ष की पूजा कीजिए, और जब ये पूजा हो जाती है मतलब स्नान, चंदन, पुष्प, अक्षत इत्यादि अर्पित कर दीजिए। अक्षत स्वरूप जो है इस दिन चने की दाल ही अर्पित की जाती है, और धूप दीप कर दीजिए, फिर जो है 12 पत्ते बिछाइए। 12 पत्ते बिछाने के बाद क्या कर रहा है, उनमें भी जो है थोड़ा सा चावल फूल लेकर के सबसे पहले आवाहन कर लेना है सभी का, क्योंकि इस व्रत में क्या है ना कि सावित्री सत्यवान का पूजन किया जाता है, ठीक है, ब्रह्मा सावित्री स्वरूप की भी पूजा की जाती है, शिव शंकर, गौरी माता, लक्ष्मी, नारायण, तो ये सभी मिला करके, और गौरी गणेश के लिए भी एक एक, एक पत्ते में इनकी पूजा की जाती है। तो हाथ में चावल लेकर के, चावल फूल लेकर के सभी पत्तों पर जो है थोड़ा सा छिड़क देना है, प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे भगवान सभी देवी देवता यहाँ पर हमारी पूजा स्वीकार कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी के नाम याद करना भी जो है मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, और समय भी कम रहता है, वहाँ पर कई लोग पूजा करने वाले होते हैं। तो यूँ ही कर दिया, चावल फूल करने के बाद थोड़ा सा जल सभी में कुश की मदद से, फूल की मदद से डाल दीजिए, और हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। इसके बाद जो है आप फूल वगैरह थोड़ा सा चढ़ा करके, अक्षत अर्पित करके, फिर जो आपने 12 प्रसाद बनाए हैं, 12 गुलगुले, तो एक एक गुलगुले सभी में रखनी, थोड़ी थोड़ी चने की दाल, थोड़ी थोड़ी गुड़, एक एक पूरे में पूड़ी। फल नहीं है 12 तो कोई दिक्कत नहीं है, अंगूर ही अगर लिया तो एक एक अंगूर ही रख दिया, फल की भावना कर दी, इस तरह से जो है उन पूरे पत्तों पर आपको पूजन करना है। यही खास विधि है इस व्रत में होता है। तो ये जब सभी पूजाएं हो जाए के बाद कुछ और खास विधियां करनी होती है, जिसमें से आप एक कच्चा सूत ले जाइएगा। कच्चा सूत जो है वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा करनी होती है वृक्ष की, किसी के यहाँ 7 बार परिक्रमा की जाती, किसी के यहाँ 12 बार की जाती है। तो जैसा होता हो, परिक्रमा करने के बाद उसी कच्चे सूत को, या फिर दूसरा भी हो, कोई भी हो, तो कच्चे सूत को क्या करते हैं हम लोग 12 बार जो है उस सूत का धागा निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब 12 बार बना लेते हैं, 12 धागे होने चाहिए, तो ऐसे ऐसे लपेट करके हम 12 गिन लेते हैं 12 बार, और उसी धागे में 12 गठाने भी लगानी होती हैं, या फिर आप एक ही धागा ले लीजिए उसमें 12 गठाने ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये धागा भगवान को चढ़ा करके सिद्ध किया जाता है, फिर बांधा जाता है। तो धागे में 12 गठानी लगाने के बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि से धागे का पूजन करके भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, ठीक है, बाद में हम बांधेंगे, ठीक है इसको। इस तरह से धागे का पूजन हो गया, वहाँ पे चढ़ा दिया, किसी किसी के यहाँ 2 धागे रखे जाते हैं, तो एक अपने को और एक पति को बांध दिया जाता है।
तो जैसा होता हमारे यहाँ एक ही जो है ये धागा बांधा जाता है, तो भगवान के पास रख दिया और सारी पूजा हो जाती है। तो फिर उस धागे को उठा करके आशीर्वाद मांग करके फिर उसको जो है दूसरी महिला से बंधवा लिया जाता है, ठीक है। और एक ही कई क्षेत्रों में तो ये भी मानता है कि एक ही हाथ से बंधवाना, जैसा संभव हो दूसरी महिला बांधे या फिर खुद भी बांध सकते हैं आप अगर कोई नहीं है तो। इस तरह से दूसरी महिला से बंधवा लिया जाता है। और कुछ और विधियाँ होती है, जैसे कि आप पंखा ले जाते हैं तो पंखा सेवा भगवान की जाती है, वहीं वृक्ष की, ठीक है। और श्रृंगार की सामग्री वगैरह तो आप पहले ही चढ़ा चुके होंगे, भगवान के चरण भी दबाए जाते हैं, सेवा की जाती है। और इस प्रकार से एक और खास विधि होती है, वृक्ष के नीचे की एक फल तोड़ लिया जाता है, नुकीला सा होता है वट वृक्ष का फल, इतना छोटा सा, तो उसको तोड़ करके उसके 12 टुकड़े किए जाते हैं, सीधे हाथ में रखा जाता है और 12 चने की दाल रखी जाती है, ठीक है। 12 चने की दाल और वो फल जो है रखिएगा, पानी डाल करके एक ही बार में जो है निगल लिया जाता है। इस विधि को वृक्ष के नीचे ही किया जाता है और बार बार प्रणाम करके फिर जो है आप घर आ सकते हैं। तो सूर्यास्त होने से कम 4:30 से 5:30 बजे के बीच जो है आप इस व्रत में भोजन कर लेंगे। इसके पहले अगर आपको पानी वगैरह पीना है पी सकते हैं, हमारे यहाँ जो है फल वगैरह भी ले लेते हैं जिसको आवश्यकता जैसी महसूस हुई, ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो फल फूल बीच में ले लिया। बाद में जो है 5 बजे के बीच में मीठा भोजन, एक अन्न खाया जाता है जिसमें गेहूं के आटे की पूड़ी और गुड़ वगैरह खा सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं। तो एक अनाज जो है आपको व्रत में शाम के समय खाना है। सूर्यास्त से पहले जो है हमारे यहाँ व्रत खोल लिया जाता है। वैसे जो है आपको व्रत की विधि करनी है। अब मासिक धर्म में महिलाएं व्रत कैसे करेंगी, तो देखिए आपको व्रत करना है लेकिन वृक्ष के पास पूजा करने नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सामग्री मंगा लीजिएगा जिसमें पंखा मंगा लीजिएगा, श्रृंगार का सामान और फल, ये आप किसी सुहागन महिला को दे दीजिएगा, अपना धागा भी दे दीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा कि आप धागा बना करके हमें दे दीजिएगा, ठीक है। तो सुहागन महिला जो भी हैं वो पूजा करेंगी, आपके पूजा का सामान जो है वो अपने साथ वृक्ष के ऊपर चढ़ा देंगी, ठीक है, पूजा विधि कर देंगी, धागा जो है वो चढ़ा करके आपको दे देंगी, तो बाद में आप बांध लीजिएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको। और प्रसाद अगर बनाने वाला कोई है आपके घर में, प्रसाद बनवा लीजिएगा, चढ़वा दीजिएगा दिलवा करके, लेकिन आप स्पर्श मत कीजिएगा कोई भी सामान, ठीक है। प्रसाद बनाने वाला नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फल वगैरह चने की दाल जो है आप मतलब निकलवा करके दे सकती हैं, ठीक है, तो वो भिंगो करके चढ़ा देंगे, ठीक है। और रही बात कि आप क्या खाएंगी, तो आप स्वयं से बना करके कुछ भी खा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जब पेड़ पास जो है चढ़वाएं तभी खाएं, ठीक है। साथ ही साथ नाम जप जरूर कीजिएगा, लक्ष्मी नारायण यही नाम जप कर लीजिएगा, जो भी आपके प्रिय इष्ट देव हों, इष्ट देव का ही नाम आप लेंगे क्योंकि परमात्मा की शक्ति एक ही, ऐसा नहीं है कि अब इनका ही नाम लेना है ये व्रत है, तो जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप नाम लीजिएगा। और क्या है, नाम जप करने से जो है आपका व्रत सफल हो जाता है, मासिक धर्म में भी भले ही आपने कुछ नहीं किया, जैसे हम पूजा भी मानसिक नहीं कर पाते हैं तो नाम जप अगर करते हैं तो व्रत सफल होता है, ठीक है। तो पूरे दिन नाम जप में रहना है। और अब सभी महिलाओं के लिए एक और बात ये कि व्रत में जैसे छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, ठीक है, छोटे छोटे गोले बना करके प्रसाद बनाओ, धागा बनाओ, चढ़ाओ, बहुत सी सेवाएं, कुछ मतलब भूल भी जाते हैं, इन सभी के लिए क्या है कि पूजा करते समय क्षमा याचना ज़रूर की जाती। जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं तो सभी गलतियां भगवान क्षमा करते हैं और एक डर खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान से हम बोल देते हैं कि भले ही गलतियां हो गई हों लेकिन व्रत हमारा सफल कीजिएगा, ठीक है। तो क्षमा याचना ज़रूर करनी है। और दूसरा है नाम जप करना है, तो नाम जप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी व्रत में छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं, चाहे हम कितना भी ध्यान क्यों ना रख लें, तो नाम जप से क्या है कई कई जन्मों के पाप कर्म तक भस्म हो जाते हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों की बात है क्या, ठीक है। नाम जप ही किसी भी व्रत की सफलता का आधार है, तो ज़रूर कीजिएगा। अगर नाम जप से संबंधित है फिर कोई भी प्रश्न आपके मन में है आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सीधे मैसेज में भी पूछ सकते हैं, और एक बार चैनल पे ज़रूर आइए क्योंकि पूजा विधि पूरी मैंने करके दिखाई है, घर पे अलग करके दिखाई है, वृक्ष के पास जा करके अलग है, कथा का अलग वीडियो है जिसमें पूजा के साथ आप कथा सुन सकते हैं। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।